अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबसे बड़ी सल्तनत अपने नफ्स का हुक्मरान होना है। कुछ लोग मेरी दुनिया में खुशबू की तरह हैं, जो रोज महसूस तो होते हैं पर दिखाई नहीं देते। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। कभी कभी ढेरों लफ्ज़ होने के बाद बोलने को दिल नहीं चाहता, न बताने के लिए, न जताने के लिए, न हमदर्दी के लिए। समझ न आया जिंदगी तेरा ये फलसफा, एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, आपके फैसलों से है। वो गलती सबसे बड़ी गलती है जिसके गलत होने का एहसास तक न हो। आसमान वाले से राबते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जन्नत के मुंतजिर न रहो, बल्कि अपने आमाल ऐसे बना लो कि जन्नत भी तुम्हारी मुंतजिर हो जाए। जब हम किसी रिश्ते से थकने लग जाते हैं तब हमें इसमें सिर्फ खामियां ही नजर आने लगती हैं। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, और जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। जो दोजे वही लौट के आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। जिंदगी बर्फ की तरह है, नेक कामों में गुजारो वरना पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। खूबियां इतनी तो नहीं कि किसी के दिल में घर बना सके, लेकिन कुछ ऐसे पल जरूर छोड़ जाएंगे कि भूलना आसान न होगा।
खुद पे यकीन होना चाहिए। सहारे ही तो बेसहारा करते हैं। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनता हूँ, जवाब देने का हक वक्त को दे रखा है। इंसान की इंसानियत तब खत्म होती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। जिस तरह दरख्त की कीमत उसके फल के हिसाब से होती है, उस तरह इंसान की कीमत उसके अखलाक के हिसाब से होती है। रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज, जब आप गलत हो तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। इंसान की तरबियत का फर्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। मिसाल देना और मिसाल बनना दो अलग बातें हैं। मिसाल देना आसान होता है और मिसाल बनना मुश्किल। वक्त ने एक ही बात सिखाई है, हर ताल्लुक रिश्ता नाता तब तक जिंदा है जब तक आप दूसरे के मियाद और तौकात पर पूरा उतरते रहे। जब कोई दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूँ, शायद मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा।